प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से एक बार फिर परमेश्वर के सामर्थ्य और मधुर वचन का प्रचार आपके साथ करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी परमेश्वर की आत्मिक उन्नति के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे और उस राज्य के लिए जिसका प्रॉमिस यीशु मसीह ने हमसे किया था, उसके लिए हम निरंतर क्या कर रहे होंगे, अपने आप को रेडी कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देकर करें, क्योंकि हम मानते हैं और ऐसा हमने पढ़ा भी है कि बाइबल में लिखा है, जहां मेरे नाम से दो या तीन उपस्थित होंगे, मैं वहां पर क्या करता हूँ, हाजिर होगा। तो इसी आशा से हम सब मानते हैं कि आज के दिन परमेश्वर हमारे साथ संगति में है और हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी का कि उन्होंने मुझे एक बार मौका दिया फिर से अपने स्टेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के जलाली और सामर्थी वचन का प्रचार करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी आज का सेशन होगा, जो भी आत्मिक बीज जो बोया जाता है वचन का, वो हर एक की जिंदगी में काम करेगा। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके बाद अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज की संगति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हम मानते हैं परमेश्वर कि आप निरंतर परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा परमेश्वर, और इतनी सुंदर शाम दिखाई परमेश्वर कि हम सब परमेश्वर आपके नाम को अपनी जुबान से लेने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर कि उन्होंने परमेश्वर इस पेज को क्रिएट किया आगरा मसीह मंडली को, परमेश्वर इस पेज के माध्यम से परमेश्वर आपके जलाली वचन का प्रचार होता है परमेश्वर। इस पेज में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आप बहुतायत से आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोए परमेश्वर, और परमेश्वर उनके जीवन को परमेश्वर आप दूसरों के लिए एज एग्जाम्पल परमेश्वर यूज करें परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर लाइव सेशन देखते हैं और जो आने वाले समय में रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे परमेश्वर, उन सभी के जीवन में ये वचन परमेश्वर जरूर कार्य करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो इस टाइम परमेश्वर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं परमेश्वर, उन सब के शरीर पर परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ रखिए परमेश्वर और उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस टाइम परमेश्वर जो बुजुर्ग हमारे घरों में है परमेश्वर, की उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक उस बच्चे के लिए परमेश्वर जो अपनी नौकरी के लिए तरह तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं परमेश्वर, आप उन सबको परमेश्वर उनकी उन परीक्षाओं में जो वो बनना चाहते हैं परमेश्वर, उनमें सफल कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो तरह तरह के बंधनों में परमेश्वर बंधे हुए हैं परमेश्वर, उन सब बंधनों को आपके नाम से मैं तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक की जिंदगी की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर, हमारी जिंदगी में परमेश्वर हम वचन के लिए परमेश्वर परमेश्वर अपनी प्यास को बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि हम वचन के माध्यम से परमेश्वर अपनी आत्मिक उन्नति करने वाले हो पाए परमेश्वर। पूरा आदर और महिमा परमेश्वर आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ आप ही हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और ये जो गीत है ये है, मैंने ढूंढा सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। सच में हम पूरी दुनिया ढूंढ लें, हम पूरी हर जगह जाके देख लें, लेकिन जो यीशु मसीह जो परमेश्वर हमारे लिए करता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस गीत के माध्यम से परमपिता परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, हम अपने दिल रूपी खेत को तैयार करेंगे, उसकी प्रेज एंड वर्शिप करेंगे।
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है शमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पाप का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। सच में परमेश्वर के जैसा ना कोई मिला था, ना मिला है और ना ही मिलेगा। तो लिखा है ना कि हम दुनिया के आगे बहुत बार दुहाई देते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, हमारी फीलिंग्स को समझेगा, लेकिन हमें उसके द्वारा क्या मिलता है? सिर्फ आंसू ही मिलता है। और सच्ची जो एक दोस्त की तरह जो रिश्ता निभाता है वो परमेश्वर ही है, यीशु ही है। और जब हम उसके सामने अपने दिल को खोल करके रखते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, और ये सुकून दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। इसलिए जब हम उसके आगे अपने दिल को खोल करके रखते हैं तब क्या होता है, वो हमारी बातों को सुनता है और हमें एक असीम शांति देता है, क्योंकि शांति का राजकुमार कौन है? यीशु ही है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज के आत्मिक मन्ना को देखेंगे कि परमेश्वर ने आज के लिए क्या वचन निर्धारित किया है। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि आपने हमें अभी तक संभाल के रखा है परमेश्वर। हर एक क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमें आगे भी ऐसे ही संभाल के रखिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए परमेश्वर।
वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी आज का आत्मिक बनना परमेश्वर निर्धारित किया है परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगी में काम करने वाला हो पाए परमेश्वर। और जिस दिल रूपी खेत में परमेश्वर ये बोया जाता है, 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर, और बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बचाई जाने वाली हो पाए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे शनासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो हमें मिलता है पहला शैमुएल और उसकी 9th बाप में, और यहाँ पर शाऊल के बारे में बताया गया है। इसका जो शीर्षक है वो है कि नुकसान होता है लेकिन परमेश्वर उस नुकसान की भरपाई हमें डबल आशीषों के रूप में पूरी करते हैं। हमें उस टाइम लगता है कि हमें नुकसान हुआ है, उस टाइम हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी हुई है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, दुगनी आशीष को देने की वो सामर्थ रखते हैं। और जिस तरीके से शाऊल की लाइफ में जो हम पढ़ेंगे अब आगे जाकर कि उसमें कैसे नुकसान हुआ और कैसे उसे परमेश्वर ने नुकसान की भरपाई के तौर पर उसको क्या बना दिया, एक राजा बना दिया, क्योंकि नुकसान इसलिए हुआ था कि वो किससे जाकर मिल पाए, शैमुएल से जाकर मिल पाए। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं इसके पहला शैमुएल उसकी 9th की 1st आयत में हम देखते हैं, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीहा के पुत्र बकरोत का पर पोता और सरोर का पोता और अबियल का पुत्र था। वे एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इसराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। यहाँ पर शाऊल के बारे में बताया गया है कि कीश का पुत्र क्या था, शाऊल था, और वो कैसा था। यहाँ पर उसकी क्वालिटी बताई गई है कि वो बहुत लंबा था, वो बहुत शक्तिशाली था। उसके बाद हम तीसरे आयत में पढ़ते हैं, जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा कि एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। यहाँ पर क्या होता है कि पुराने टाइम पर पहले जो जानवर होते थे वही लोगों की क्या होते थे, संपत्ति हुआ करते थे, वही उनकी संपत्ति हुआ करते थे। जानवरों को देखकर हमें पता चलता था कि लोग कितने अमीर हैं। और यहाँ पर शाऊल के जो पिता हैं कीश, उनकी गधियां खो जाती हैं और वो पिता अपने पुत्र से आकर कहते हैं कि तुम एक सेवक को अपने साथ ले जाओ और क्या करो, उन गधियों को ढूंढ कर लाओ। यहाँ पर हमें शाऊल का एक नेचर समझ में आता है कि वो कैसा व्यक्ति था। वो बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति था, उसने अपने पिता की आज्ञा को माना और क्या किया, अपने साथ एक सेवक को लेकर वो जाता है। और चौथी आयत में हम देखते हैं, तब वह एप्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया परंतु उन्हें ना पाया, तब वे शालीम नाम देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए परंतु गदियां ना मिली। जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने सेवक साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। यहाँ पर पहली वर्सेस में हमें देखने को मिलता है कि शाऊल कैसा था, आज्ञाकारी था। उसने अपने पिता की आज्ञा को माना, अपने साथ एक सेवक को लेकर गया और क्या करा, उसने गधियों को ढूंढना स्टार्ट करा और बहुत जगह गया, उसे नहीं मिली, लेकिन वो क्या हुआ, हताश नहीं हुआ। उसने अपने सेवक से ढूंढता रहा और अंत में उसने अपने सेवक से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें लौट कर वापस चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा पिता है वो क्या सोचे कि हमारी चिंता ना करने लगे कि कहीं हम भी नहीं खो गए हों। ऐसे बहुत बार होता है कि जब उस परमपिता परमेश्वर ने हमें क्या किया है, एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा हमें दिया है, जब हम उसके साथ होते हैं तब हम अच्छी और एक सच्ची राह पर चलते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमें भी क्या करना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए। जब हम गलत रास्तों पर चलते हैं, जब हम अपनी अंतरात्मा की बात नहीं मानते हैं, तब क्या हमें ये ख्याल आता है कि हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है, जो हमारे धरती के पिता से भी बढ़कर है, वो हमारी चिंता करता है। क्या हमें ये ख्याल आता है कि उसको कैसा लगता होगा जब हम उसके साथ संगति नहीं करते हैं, उसके साथ समय नहीं बिताते हैं, वो भी इसी तरीके से परेशान होता होगा जैसे शाऊल का पिता, जैसे शाऊल सोच रहा था कि मेरा पिता मेरी चिंता कर रहा होगा।
क्या हम परमेश्वर की चिंता करते हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि पिता भी हमारी चिंता कर रहा होगा अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं? उसके बाद हम देखते हैं छठी आयत में, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। इस आयत में हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो उसके बदले में भी हमें अपनी मर्जी से कुछ परमेश्वर को देना है। और वो क्या चीज है? परमेश्वर क्या चाहता है? क्या वो हमारी धन दौलत चाहता है? क्या वो चीजें चाहता है जो परमेश्वर ने ही हमें दी है? नहीं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हमारा आत्मसमर्पण चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? कि हम उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसकी संगति करें। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसके वचन को पढ़ें। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम एकांत में उसके साथ समय बिताएं, जैसे दाऊद बिताता था, जैसे शाऊल बहुत अच्छा व्यक्ति था वो बिताता था, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो उसकी राह पर क्या होते हैं, चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग ये बात कर ही रहे थे, उसके बाद नवी आयत में देखते हैं, पूर्व काल में तो इसराइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाते हैं वे पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तू ने भला कहा है, हम चलें। सो वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। उस नगर की चौड़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई बार लड़कियां मिली तो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया कि है, देखो यह तुम्हारे आगे है। जब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वे आज नगर में आया हुआ है। ज्यो ही तुम नगर में पहुंचो त्यो ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वे ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता तब उसके पीछे ही न्योथारी भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और ज्यो ही नगर के भीतर पहुंचे त्यो ही शैमवेल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो शाऊल और उसका जो साथी है जब वो पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जो शैमवेल हैं वो क्या करने जा रहे थे, एक यज्ञ होने जा रहा था और वो उसके लिए धन्यवाद देने के लिए ऊपर जा रहे थे, और तभी यहाँ पर उनको शाऊल क्या करता है, शैमवेल से मिलता है। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी चीज होती है, यहाँ पर 15वीं आयत में हम देखते हैं, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शैमवेल को ये चिता रखा था। यानी जब परमेश्वर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को डालते हैं उससे पहले ही वो हमारे लिए सॉल्यूशन को क्या करते हैं, तैयार रखते हैं। हमारे लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं पर हम क्या करते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि हमें लगता है कि इस चीज का हमें सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से ही तैयार रखते हैं। और इवन उस व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, इसकी मदद करनी है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब आपको मदद की जरूरत होती है तब कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद हो जाती है, आपका रुका हुआ काम हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि जो चीज मुझे चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। जैसे शाऊल की लाइफ में हुआ कि जब उसकी पिता की गदियां हो गई और वो ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचा, शैमवेल के पास पहुंचा। और यहीं पर हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने शैमवेल से पहले ही क्या कह दिया था, कि शाऊल के बारे में चिता दिया था। इसके बाद हम देखते हैं 16वीं आयत में कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है।
यहाँ पर वो ढूंढने गया था अपने पिता की गदियों को, और यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए उसको क्या कर दिया, एक चरवाहा की तरह उसको क्या कर दिया है, अभिषिक्त कर दिया, अभिषेक करवाया है। यहाँ पर वो गधियां ढूंढने गया था और उसे इजरायली सेना, पूरी इजरायली क्या मिल गई, एक चरवाहे के तौर पर उसको मिल गई। और यहाँ पर हम देखते हैं 17वीं आयत में, फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक से में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और बियान को जो कुछ तेरे पास में हो सब कुछ मुझे बता कर विदा करूंगा, और तेरी गधियों को जो 3 दिन हुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई। और इज़राइल में जो कुछ मनभाव है वे किसका है, क्या वे तेरे और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिनिया बिनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्याबीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है, इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है। तब शमूएल ने शाऊल को और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया है रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। बयान को वे तड़के उठे और वे फटकते फटकते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वे और शमूएल दोनों बाहर गए और नगर के सिरे को की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। यानी इसमें हमें एक बात गौर देने वाली है कि जब हम अकेले होते हैं तब हम ज्यादा परमेश्वर के नजदीक होते हैं। संगति करना अच्छी बात है, आप रात में अगर प्रेयर करते हैं एक साथ, फैमिली प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एकांत में परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं। जैसे यहाँ पर जब शाऊल का अभिषेक हो रहा था शमूएल के द्वारा, तो उसने क्या बोला कि अपने सेवक से कहे कि हमसे आगे चला जा, तब उसने परमेश्वर के वचन को उसके साथ बांटा और उसका अभिषेक किया, क्योंकि जो निर्धारित था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी हुई थी उसकी लाइफ में कि उसके पिता की गदियां खो गई थी और वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गया, शमूएल के पास पहुंच गया। और परमेश्वर ने उन गदियों को इसीलिए गुम किया था, इसीलिए खोया था, ताकि वो क्या करे, शमूएल के पास पहुंचे। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम परमेश्वर के और नजदीक आ जाते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस समय अगर जो सेवक, जो कि हमारा कौन है, पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें सेवक के तौर पर हमें दुनिया में भेजा है और सेवक के तौर पर हमें पवित्र आत्मा दी है जो हमें राह दिखाती है, सही गलत का भेद कराती है, अगर हम उसकी बात मानकर अपने जीवन को चलते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तब क्या होता है, वो पवित्र आत्मा हमें कहाँ ले जाती है, हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें उसकी बात माननी है। जैसे जब सेवक ने शाऊल से कहा था कि इस नगर में परमेश्वर का एक जन रहता है जो क्या करता है, जो बता देता है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, सही बताता है, जिसको पुराने समय में दर्शी कहते थे, तो
तो जब पवित्र आत्मा हमें बहुत बार ऐसा चिताता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, और अगर उसे हम नजरअंदाज करके उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स में फंसते रहते हैं और उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है। जैसे शाऊल को, जैसे उसके सेवक ने बताया और शाऊल ने उसकी बात मानी, यानी उसके अंदर घमंड नहीं था, उसने उसकी बात मानी और वो उसके साथ साथ कहाँ गया, शैम्बल के पास गया। अगर वो उसकी बात नहीं मानता, घर वापस चला जाता, तो क्या उसका अभिषेक राजा के रूप में होता? नहीं होता। वैसे ही जब पवित्र आत्मा हमें कोई चीज बताती है, तो हमें भी उसकी बात क्या करनी है, हमें माननी है और उसी राह पर चलना है, तभी हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। और वो सॉल्यूशन जो परमेश्वर ने शैम्बल को पहले से ही दे रखा था कि इस दिन क्या होगा, एक बिन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति आएगा और उसे तुम्हें क्या करना है, मेरी प्रजा के ऊपर राजा ठहराना है। तो वो चीज, वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने शाऊल के लिए रखी थी, अगर वो अपने सेवक की बात नहीं मानता तो वहां तक नहीं पहुंच पाता। वैसे ही अगर हम पवित्र आत्मा की बात नहीं मानेंगे, अगर हम वचन के, जो भी वचन में लिखा हुआ है, उसकी, उस पर नहीं चलेंगे, तो हम भी उस मुकुट पर जो यीशु मसीह प्रॉमिस करके गए हैं कि हमारे लिए घर तैयार करेंगे, उस घर पे हम कभी भी नहीं रह पाएंगे। तो जरूरी ये है कि हम अभी जो हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, वो हमें कैसे जीनी है, हम उसमें सोचें। जैसे शाऊल चाहता तो वो अपने पिता की गदियों को ढूंढने नहीं जाता, वो अपने सेवकों को भेज देता, उसके पास बहुत सारे सेवक होंगे, उसने लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हमने बहुत बार बहुत लोगों को वचन सुनाया होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब हमें नेगेटिव चीजें मिलती हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम बैक थ्रू हो जाते हैं, हम वचन का प्रचार करना कम कर देते हैं, हम बात करना कम कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शैतान तो बहुत बार चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज ना करें, लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को पूरी पूरी ईमानदारी से और जोश से, जितना शैतान हमें पीछे करेगा, हमें और उतनी जोश से क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे उसकी लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आई, उसने बहुत जगह गदियां ढूंढी, हो सकता है हम और आप उसकी जगह होते तो हम सोचते हैं अरे एक जगह चले गए, दूसरी जगह चले गए, अब तो गदियां मिलेंगी ही नहीं, और हम वापस घर चले जाते। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने अंत तक धीरज धरा, उसने अंत तक धीरज धरा। वैसे ही हमें अपनी दौड़ में भी अंत तक धीरज धरना है, क्योंकि जो धीरज धरता है वही क्या करता है, अंत में अपनी दौड़ को जीतता है। तो इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूंगी, और आशा करती हूं कि आपकी जिंदगी में ये वचन जरूर काम करेगा और आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम इस लाइव सेशन का एंड करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम मानते हैं परमेश्वर आप यहाँ पर उपस्थित थे और हर एक की जिंदगी से आपने बात करी है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हमें भी परमेश्वर आप ऐसा मन दीजिए परमेश्वर, कि हम भी आपकी बातों को परमेश्वर पूरी ईमानदारी से निभाने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर हम भी परमेश्वर आपके वचन पर चलने वाले हो पाए परमेश्वर। परमेश्वर आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर आप हर एक की जिंदगी से बात करिए परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर तरह तरह के बंधनों में बंधे हैं, उन बंधनों को परमेश्वर मैं तोड़ती हूँ परमेश्वर, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग परमेश्वर अभी अपने दिलों में जो भी चीज़ें मांग रहे हैं उसका हाँ और आमीन में आप आंसर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अगर कोई बीमार है परमेश्वर, आपको कहीं पर भी कोई भी तकलीफ है, आप उस पर हाथ रखिए परमेश्वर और उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सेशन के लिए परमेश्वर, जिन्होंने सुना है और जो आगे आने वाले समय में रिकॉर्डेड सेशन भी देखेंगे परमेश्वर, उन सभी की जिंदगी को आप बरकत से भरिए परमेश्वर। अनुपम मंगल और शिवन मांटी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया परमेश्वर, जिसके माध्यम से परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपके वचन से जुड़े परमेश्वर, और परमेश्वर इस पेज पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए परमेश्वर। अनुपम अंकल और शब्द मांटी की लाइफ पर परमेश्वर आप अपना आशीष भरा हाथ रखिए, और परमेश्वर के घर को परमेश्वर आप ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।